हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धि और यू आर वॉचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे जेक्सपो 2020 का जो पॉलिटेक्निक आप बोल सकते हैं एग्जाम है, वो पॉलिटेक्निक एग्जाम का हर एक कॉलेज के बारे में, मतलब टोटल कितना कॉलेज इस बार जेक्सपो 2020 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कितना टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके साथ हर एक गवर्नमेंट कॉलेज का बेस्ट ब्रांच कौन सा है, इसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जेक्सपो 2020 एग्जाम देना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और एक बात बोलना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल में आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हर एक कॉलेज के बारे में जानना। नंबर वन जो कॉलेज है आप देख सकते हैं, APC रॉय पॉलिटेक्निक। इसका सबसे बेस्ट ब्रांच जो है बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। नंबर टू में है आसानसोल पॉलिटेक्निक। इसका सबसे बेस्ट ब्रांच है बोल सकते हैं मेटलर्जिकल एंड माइनिंग। नेक्स्ट नंबर थ्री में चलिए, नंबर थ्री में जो है BPC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका सबसे बेस्ट ब्रांच है बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल। नंबर फोर में है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका बेस्ट ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। नंबर फाइव कैलकाटा टेक्नोलॉजी स्कूल। इसका बेस्ट ब्रांच है बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। नेक्स्ट नंबर सिक्स में है सेंट्रल कैलकाटा पॉलिटेक्निक। इसका बेस्ट ब्रांच है बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। नंबर सेवन में है सेंट्रल फुटवेयर TRG सेंटर। इसका बेस्ट ब्रांच है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे दो ही है, पर बेस्ट है यहाँ पे लेदर गुड्स टेक्नोलॉजी। नंबर एट में है कॉन्टाइट पॉलिटेक्निक। इसका सबसे बेस्ट ब्रांच जो है वो है सिविल एंड फार्मेसी। नंबर नाइन में है कोचबिहार पॉलिटेक्निक। इसका सबसे बेस्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। नंबर टेन में है दार्जिलिंग पॉलिटेक्निक। इसका बेस्ट ब्रांच कोई भी नहीं है, हर एक ब्रांच सेम ही है, पर अगर मुझे बोलना चाहे कि कौन सा ब्रांच ज़्यादा अच्छा है तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल। नंबर 11 है डॉक्टर मेघनाथ शाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका जो बेस्ट ब्रांच है वो है आप बोल सकते हैं केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल। नंबर 12 में है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट फॉर JR एग्जीक्यूटिव्स। इसका बेस्ट ब्रांच आप बोल सकते हैं मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। नंबर 13 में आप क्या देख सकते हैं, HB इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड माइनिंग मिदनापुर। इसका जो बेस्ट ब्रांच आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। नंबर 14 में है हुगली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका बेस्ट ब्रांच है आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ICV पॉलिटेक्निक नंबर 15 में। इसका बेस्ट, यहाँ पे बहुत सारा ब्रांच है, पहले आप ये देखिए इस कॉलेज में आपको मिलेगा बहुत सारा ब्रांच। यहाँ का सबसे बेस्ट ब्रांच जो है वो आप बोल सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नंबर 16 में है जनन चंद्र घोष पॉलिटेक्निक। इसका सबसे बेस्ट ब्रांच जो है मैकेनिकल। नंबर 17 में आचार्य जगदीश चंद्र बोस पॉलिटेक्निक। इसका बेस्ट ब्रांच है मैकेनिकल। नंबर 18 में जलपाईगुड़ी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। इसका बेस्ट ब्रांच दो है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। नेक्स्ट नंबर 19 KG इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। इसका सबसे बेस्ट ब्रांच आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। नंबर 20 में है कन्यापुर पॉलिटेक्निक। इसका बेस्ट ब्रांच है मैकेनिकल। नंबर 21 में है कालना पॉलिटेक्निक। इसका बेस्ट ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स। नंबर 22 में है MBC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो बेस्ट ब्रांच है आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। नंबर 23 में है मालदा पॉलिटेक्निक। इसका बेस्ट ब्रांच है सिविल एंड मैकेनिकल। नेक्स्ट नंबर 24, इसका जो बेस्ट ब्रांच है देख सकते हैं ये कॉलेज पहले जान लेते हैं, मुर्शिदाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका बेस्ट ब्रांच है तीन, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। नेक्स्ट नंबर 25 नजरुल सेंटिनरी पॉलिटेक्निक। इसका जो बेस्ट ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 26 में। नंबर 26 है नॉर्थ कैलकाटा पॉलिटेक्निक। ये एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इसका बेस्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। नेक्स्ट नंबर 27 में है पुरुलिया पॉलिटेक्निक। इसका जो बेस्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट नंबर 28 में है रायगंज पॉलिटेक्निक। इसका जो बेस्ट ब्रांच है मैकेनिकल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नंबर 29 शेखपाड़ा ARM पॉलिटेक्निक। इसका जो बेस्ट ब्रांच है बोल सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। नंबर 30 में है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग। इसका जो बेस्ट ब्रांच है प्रिंटिंग। नेक्स्ट चलिए नंबर 31 में श्री रामकृष्णा शिल्पा विद्यापीठ। इसका जो बेस्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट 32 में है वेस्ट बंगाल सर्वे इंस्टीट्यूट। इसका जो बेस्ट ब्रांच है सर्वे इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं नंबर 33 में है वुमेन्स पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट 34 में है वुमेन्स पॉलिटेक्निक चंदन नगर, इसका जो बेस्ट ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट 35 में जो है सिलीगुड़ी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट नंबर 36 में है फालाकटा पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है आप बोल सकते हैं मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट नंबर 37 में जो है बाड़वान पॉलिटेक्निक, इसका बेस्ट ब्रांच है आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट सिद्धू कानू बिरसा पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बारुईपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है मैकेनिकल। नेक्स्ट बांकुड़ा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका दो बेस्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। नंबर 41 में आप देख सकते हैं गंगारामपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है मैकेनिकल। नेक्स्ट तूफानगंज पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है आप बोल सकते हैं मैकेनिकल। नेक्स्ट राजा रंजीत किशोर पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं राटुआ सत्येंद्र नाथ बोस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट डायमंड हार्बर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका बेस्ट ब्रांच है सिविल। नेक्स्ट नंबर 46 में है आप देख सकते हैं मीर मदन मोहनलाल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। नेक्स्ट कोलाघाट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, इसका जो बेस्ट ब्रांच है आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स। नेक्स्ट इस्लामपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका बेस्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नालहटी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट नंबर 50 में मुराराई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है आपका सामने आप देख सकते हैं रामपुर हाट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका बेस्ट ब्रांच है सिविल। नेक्स्ट 52 में देख सकते हैं आप, नेक्स्ट नंबर 52 में आप देख सकते हैं जंगीपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका बेस्ट ब्रांच है सिविल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 53 में मायनागुड़ी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका बेस्ट ब्रांच है आप बोल सकते हैं सर्वे इंजीनियरिंग। नेक्स्ट नंबर 54 में आप देख सकते हैं बागमुंडी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका बेस्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट आप नंबर 55 में देख सकते हैं तेहत्ता गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट नंबर 56 में आप देख सकते हैं रानाघाट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नंबर 57 में है गायसपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट 58 में आप देख सकते हैं रघुनाथपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है आप देख सकते हैं मैकेनिकल। नेक्स्ट 59 में राजगंज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, दो है यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर 60 में आप देख सकते हैं रायपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नंबर 61 में हिल्ली गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है मैकेनिकल। नंबर 62 में मिदनापुर सदर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 63 में घाटाल पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट 64 में आप देख सकते हैं आरामबाग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है सेम ही है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट मेमोरी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है आप देख सकते हैं सिविल एंड मैकेनिकल। नेक्स्ट नंबर 66 में लास्टली गायघाटा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका जो बेस्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो टोटल कितना आप देख सकते हैं, टोटल 66 जो गवर्नमेंट कॉलेज है इस बार आपका जेक्सपो 2020 में, टोटल 66 गवर्नमेंट कॉलेज इस बार मतलब आप लोग अप्लाई कर पाएंगे टोटल 66 कॉलेजेस के लिए। तो ये हो गया 66 कॉलेजेस एंड उसके अकॉर्डिंग कौन सा ब्रांच बेस्ट है वो भी मैंने बता दिया आपको। तो ये हो गया गवर्नमेंट टोटल कॉलेजेस। अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में जानना है और बोल सकते हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कॉलेज के बारे में जानना है तो नीचे मस्ट कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो कॉलेजेस हैं नॉन गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। तो यही था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मस्ट बताना, वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक शेयर मस्ट करना, और भी ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना क्योंकि ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल में आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नया वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।